लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, पीएम ने संकल्प पत्र का किया लोकार्पण। मोदी की गारंटी के नाम से संकल्प पत्र हुआ जारी, अंबेडकर जयंती के अवसर पर जारी हुआ संकल्प पत्र। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित किया, चारों वर्ग के लिए एक एक लोगों को संकल्प पत्र दिया। बीजेपी के संकल्प पत्र में बड़ा वादा, देशभर में यूसीसी लागू करने का वादा, पीएम मोदी बोले यूसीसी देशहित के लिए जरूरी। पीएम मोदी ने यूसीसी को देशहित के लिए जरूरी बताया, कहा हमने आर्टिकल 370 हटाया, सीएए को लेकर आए। संकल्प पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का भी वादा, देश में एक साथ हो सकते हैं सभी चुनाव। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री में मोदी सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया गया। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को विकसित भारत का संकल्प पत्र बताया, कहा बीजेपी ने अपने संकल्पों को गारंटी के रूप में उतारा। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को युवा भारत की झलक बताया, कहा हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी बोले गरीबों का पेट जेब भर रहे हैं, ये हमारी गारंटी। मुफ्त राशन योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ाया गया। पीएम मोदी का ऐलान, कहा पाइप से सस्ती रसोई गैस पहुंचाने का काम करेंगे, गरीबों को का जो बिजली बिल है वो जीरो करेंगे। पीएम मोदी बोले मुद्रा योजना के तहत 20 लाख तक का लोन मिलेगा, रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी का लोन मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए गए, गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र में जन औषधि केंद्रों के विस्तार का ऐलान किया, कहा मोदी की गारंटी है कि 80% डिस्काउंट से दवाएं मिलती रहेंगी। पीएम मोदी बोले 5 साल में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ेगी, 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा कृषि की योजनाओं को और सशक्त बनाया जाएगा, 10 करोड़ किसानों का सम्मान निधि जारी रहेगा, सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा 4 जून के नतीजों के बाद संकल्प पत्र पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा, सरकार ने पहले से ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा मोदी की गारंटी 24 कैरेट खरे सोने की तरह, हमारा संकल्प पत्र गोल्ड स्टैंडर्ड। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा बीजेपी के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं, पीएम ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिससे देश को लाभ हो। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अशोक गहलोत ने कहा 2014 और 2019 जैसा माहौल अब नहीं, बीजेपी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, बीजेपी में विश्वसनीयता वाली बात नहीं रही। बीजेपी के संकल्प पत्र को रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुमलों का कॉम्बो पैक बताया, कहा बीजेपी का घोषणा पत्र जुमलों का पुलिंदा। बीजेपी के संकल्प पत्र पर आप नेता आतिशी ने कहा बीजेपी ने अपना जुमला पत्र जारी किया, जो जो काम इन्होंने नहीं किए उसका कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र को सीएम योगी ने देश की महत्वाकांक्षा बताया, कहा जो देश की महत्वाकांक्षा है वही मोदी का मिशन है। संकल्प पत्र पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा संकल्प पत्र के लिए बीजेपी अध्यक्ष को बधाई, हम कोई संकल्प लेते हैं तो उसे लागू भी करते हैं।